फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएचयू पाठशाला नेहा देसाई। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी एफिलिएट कॉलेजेस के बारे में, और इसी वीडियो में हम एफिलिएट कॉलेजेस को रिव्यू भी करेंगे और हम आपको बताएंगे टॉप 3 एफिलिएट कॉलेजेस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है तो सबसे पहले आपको किस कॉलेज के पास जाना है, अप्लाई करना है अपने एडमिशन के लिए। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कौन सा एफिलिएट कॉलेज कौन सा कोर्स ऑफर करता है, क्योंकि देखिए सारे कॉलेजेस सारे कोर्सेज ऑफर नहीं करते हैं। तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि जब कट ऑफ आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस कॉलेज में ये कोर्स है, तभी आप उस कॉलेज में उस कट ऑफ के लिए वेट करेंगे। ओके, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैं आपको टोटल एफिलिएट कॉलेजेस के नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से एफिलिएट कॉलेजेस हैं, उसके बाद हम आपको टॉप 3 कॉलेजेस बताएंगे। तो पहला आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज, ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, आपका जगतरन डिग्री कॉलेज, ISTC ईश्वरसेन डिग्री कॉलेज, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, राशि टंडन महिला महाविद्यालय, KP ट्रेनिंग कॉलेज, ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएट है, SPM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, ये भी आपका एफिलिएट कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो ये जितने मैंने नाम बताए आपको, ये सभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएट कॉलेजेस हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा कॉलेज कौन सी कोर्स को ऑफर करता है। चलिए तो हम बात करते हैं CMP डिग्री कॉलेज, CMP चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज। ये कॉलेज आपका BA, BSc, BCom और अगर हम PG कोर्सेज की बात करें तो MA, MSc, MCom, LLB, BA LLB और LLM कोर्स को ऑफर करता है। CMP डिग्री कॉलेज में आपका BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, LLB, BA LLB, LLM कोर्स है। ओके, उसके बाद आपका ISBC ईश्वरसेन डिग्री कॉलेज, इसमें आपके कोर्सेज हैं BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom और BA LLB। यानी कि ISBC आपका BA कोर्स, BSc, BCom, MA, MSc, MCom और BA LLB कोर्स ऑफर करता है। मतलब इस कोर्स के लिए आप ISBC में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका है ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। ये कॉलेज जो है आपका BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, LLB, LLM इन कोर्सेज को ऑफर करता है ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। ये जो है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएट कॉलेज है। एक बार फिर मैं बताती हूँ, ADC आपको ऑफर करता है BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, LLB और LLM कोर्स ऑफर करता है ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। उसके बाद आपका है ECC। देखिए जो आपका ECC है तो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएट है, लेकिन ये अपना खुद लेता है एग्ज़ाम, मतलब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम से इसमें एडमिशन नहीं, तो इसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपका है जगतरन डिग्री कॉलेज, JT। तो देखिए जगतरन डिग्री कॉलेज आपका BA, BCom, MA, MCom कोर्स ऑफर करता है। ओके, उसके बाद आपका आर्य कन्या PG डिग्री कॉलेज, ये BA, BCom, MA, MCom कोर्स ऑफर करता है। ओके, उसके बाद आपका ये सभी कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया। उसके बाद आपका श्याम प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, इसको आप SPM डिग्री कॉलेज भी बोलते हैं। ये कॉलेज आपका BA, BSc, BCom, MA, MSc और MCom कोर्स ऑफर करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन कौन से एफिलिएट कॉलेजेस, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप उसको नोट भी कर लीजिए क्योंकि आपको कटअप के लिए वेट करना है। तो कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट है आपके लिए अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है। तो देखिए अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है तो आप सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप CMP डिग्री कॉलेज, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज को प्रेफर कीजिए, क्योंकि CMP डिग्री कॉलेज जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉप 1 एफिलिएट कॉलेजेस माना जाता है। आपको ध्यान रखना है CMP डिग्री कॉलेज, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉप 1 एफिलिएट कॉलेज है। तो अगर आपको मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आप CMP डिग्री कॉलेज के कटअप का वेट कीजिए और वहाँ पर आप एडमिशन लीजिए। ओके, CMP डिग्री कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉप 1 एफिलिएट कॉलेज है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर आता है ISBC ईश्वरसेन डिग्री कॉलेज, ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएट कॉलेज है और टॉप सेकंड पर आपका ये आता है ईश्वरसेन डिग्री कॉलेज ISBC। तो अगर आपको CMP भी नहीं मिलता है तो आप ISBC में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ये आपका टॉप 3 एफिलिएट कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो आप या तो CMP में कीजिए, उसके बाद ISBC आपके पास ऑप्शन है, उसके बाद आप ADC में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी आपके जितने कॉलेजेस हैं वो भी कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टॉप 3 आपकी रैंकिंग की है अपने रिव्यू के अकॉर्डिंग। आपको बताया है कि पढ़ाई जिस अकॉर्डिंग होती है उस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि टॉप 3 एफिलिएट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। पहला आपका CMP, देन ISBC एंड देन ADC। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस कोर्सेज में कितनी सीट्स है किस कॉलेजेस में। ओके,
जितनी भी अपडेट्स आ रही है वो आपको हम लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सभी अपडेट्स आप तक पहुँचाएँ। क्योंकि देखिए इस टाइम कोई भी अपडेट हमें भी पता है कि मिस नहीं होनी चाहिए, तो आप भी अवेयर रहिए और हम भी यहाँ से बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको सारी अपडेट्स देने के लिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कटअप कभी भी आ सकती है, काउंसलिंग आपकी कभी भी शुरू हो सकती है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।